हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोलर श्रृंगार। आज मैं आप लोगों को नेट के कुछ कुर्ताज़ दिखाने वाली हूँ। तो ये जो कुर्ताज़ हैं, ये मैंने ऑफलाइन तथा ऑनलाइन लिया है। और जो मैंने ऑनलाइन लिया है, उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से आसानी से परचेस कर सकें क्लिक करके। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं आसानी से। तो ये जो पहली कुर्ती है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये आपको अमेज़ॉन तथा फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगा। और यह नेट की कुर्ती है, और सामने में इस तरह से फोम के बटन्स लगे हुए हैं, और पूरे में इस तरह से है। बीच में प्लेन नेट है, और फिर डिज़ाइन वाला नेट दिया हुआ है। और इसका कलर काफ़ी अच्छा है, यह रेड कलर का दिख रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही यूनिक टाइप का रेड है। यहाँ पर देखिए, नीचे में प्लास्टिक के इस तरह से तार दिए हुए हैं, जो कि कुर्ती को बहुत ही सुंदर नीचे से लुक देता है। और गला इसका गोल है, स्लीवलेस है। इसमें स्लीव दिया था, बट मैंने इसमें स्लीव नहीं लगाया है, बिकॉज़ ये मुझे स्लीवलेस ही काफ़ी खूबसूरत लगा। और बैक साइड भी सेम उसी तरह है जैसा कि फ्रंट में है। और इसके अंदर में जो लाइनिंग दी हुई है, वह साटन के कपड़े का दिया हुआ है, देख लीजिए। लेकिन यह जो साटन का कपड़ा है, यह लो क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और पहनने पर यह बहुत अच्छा लुक भी देता है, और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें तथा एक कमेंट भी ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह से यह कुर्ती है। और मैं और भी बहुत कपड़ों का कलेक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका घेर भी बहुत ज़्यादा है, इसका फ्लेट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसका फ्लेट है। और पहनने पर तो बहुत सुंदर लुक देता ही है, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट कुर्ता जो ये है, ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है, परचेज़ नहीं किया है, मैंने इसके कपड़े लेकर इसे सिलवाए हैं। इसका गला कुछ इस तरह से है, चाइनीज़ नेक है, और यहाँ पर गला के थोड़ा सा नीचे में इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसा कि बांह के किनारे में भी आपको देखने को मिलेगा। और सामने में फिर मैंने व्हाइट नेट दिलवाया है, साइड से इस तरह का स्लिट है, और फुल बाजू है इसकी। बाजू के किनारे में भी देखिए, उसी तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत सुंदर से जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर इसका ये जो क्वालिटी है कपड़े की, ये काफ़ी अच्छी है, एकदम फिनिशिंग वाली इसमें काम की हुई है धागे से। और बैक साइड में मैंने मरून कलर का पूरा नेट दिलवाया है, जो कि बहुत सुंदर लुक देता है ये भी पहनने के बाद। और इसका जो कपड़ा है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव नेट का कपड़ा है ये, बहुत ज़्यादा महंगा वाला।
आई थिंक मुझे ये 700 या 650 रुपये का मीटर पड़ा था, लेकिन जब कुर्ती बनकर तैयार हुई तो काफ़ी खूबसूरत कुर्ती बनकर तैयार हुई और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। साथ ही और भी लोगों को, जो भी मुझे देखता है पहने हुए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कुर्ता जो है ये भी ऑफलाइन कपड़े लेकर हमने सिलवाया है। यह है पर्पल कलर का और पर्पल कलर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और इसके कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मैंने फुल बाजू दिलवाया है और बाजू के नीचे में इस तरह का डिज़ाइन है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है और इसके कपड़े की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग इसमें दी हुई है और इसमें मैंने बोट नेक डलवाया है जो कि हमेशा से ट्रेंड में रहता है और साइड से स्लिट है इसमें। और यह जो कुर्ता है यह एंकल लेंथ है, मीन्स एंकल से थोड़ा सा ऊपर है, एकदम लंबा नहीं है, एंकल से थोड़ा सा ऊपर। और नीचे में भी इस तरह से देखिए डिज़ाइन है फ्रंट में और बैक में। और इसके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एकदम अमेजिंग है। और इसमें भी फ्रंट में थोड़ा सा लाइनिंग का जगह छोड़ के फिर लाइनिंग दिया हुआ है, मीन्स फ्रंट में गले के पास, और बैक में फिर पूरे में लाइनिंग दी हुई है इसमें। और यह मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद।